अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम अपना स्पेस साइंसेस के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी सीरीज का पहला लेक्चर है, हम अर्थ के बारे में आज पढ़ेंगे। अर्थ के हवाले से जितने भी एमसीक्यूज आते हैं पीपीएससी में हमारे सोलर सिस्टम के रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए हम जिस गलेक्सी में रह रहे हैं उस गलेक्सी का नाम क्या है, ठीक है। तो वो गलेक्सी जो हमारी गलेक्सी है जिसमें हम रह रहे हैं ये कहलाती है मिल्की वे, ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट गैलेक्सी है यूनिवर्स की अब तक जो नोन है, ठीक है। उनमें से सेकंड पे नाम आता है हमारी गैलेक्सी का जिसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। और इसकी क्या शेप है? स्पाइरल, ठीक है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की शेप क्या है? स्पाइरल, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें फर्स्ट पे जो है फर्स्ट लार्जेस्ट गैलेक्सी ऑफ द यूनिवर्स तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ये लार्जेस्ट गैलेक्सी है, ठीक है। अब तक जितनी भी नॉन गैलेक्सीज हैं उनमें से ऑलमोस्ट 250 बिलियन गैलेक्सी अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, ठीक है। जिनमें से लार्जेस्ट एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से सबसे करीब है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है उसमें स्टार्स की तादाद अराउंड अबाउट 100 to 200 बिलियन स्टार्स है, ठीक है। जबकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसमें ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन स्टार्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक एस्टिमेट है कि एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, ठीक है ना, अपने सोलर सिस्टम। अब हमारा जो सोलर सिस्टम वो आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका सन है, ठीक है ना। ये आप लोगों का है सन। अब सन का डाया आ जाता है 1.4 मिलियन किलोमीटर सन का डाया है आपके, ठीक है। इसके बाद जो प्लैनेट इसके साथ सीक्वेंस में है सीरीज में जो है प्लैनेट सबसे स्टार्ट में है आपका मरकरी, ठीक है। ये सन से सबसे करीब तरीन है। देन सेकंड पे है वीनस, ठीक है। इसका मैंने बताया था आप लोगों को ये हॉटेस्ट प्लैनेट आपके सोलर सिस्टम का। और थर्ड पे जो ये वाटरी प्लैनेट नज़र आ रहा है आपको ये अर्थ है आप लोगों का, ठीक है। तो सीक्वेंस में अर्थ आता है आपके थर्ड पे, ठीक है। और अगर मैस की बात करें तो ये फिफ्थ पे आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है ये आपका मार्स, ठीक है। ये आपका जुपिटर, जुपिटर के मैंने क्या बारे में क्या बताया था, मैंने ये फेल्ड स्टार भी इसे बोला जाता है, ठीक है। इसका साइज बहुत बड़ा है। देन उसके बाद आप लोगों का ये जिसके बिल्कुल क्लियर रिंग्स नज़र आ रहे हैं ये एमसीक्यूज भी आता है कौन से प्लैनेट के अंदर बिल्कुल क्लियर रिंग्स हैं, तो ये आपका है सैटर्न प्लैनेट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है यूरेनस, ये आप लोगों का कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस। और लास्ट पे आप लोगों का है नेपच्यून। ये जो प्लैनेट नज़र आ रहा है ये आपका प्लूटो है यहाँ पे, ठीक है। इसको सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया, ये ड्वार्फ प्लैनेट था, ठीक है। इस पर भी रिसर्च चल रही है, ठीक है, प्लूटो पे भी। लेकिन जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं मोस्टली 3-8 प्लैनेट से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों का आएगा कि आपके सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, तो आपके हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट की तादाद है 8, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दूं ये जो 4 प्लैनेट हैं स्टार वाले, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। तो और ये जो 4 हैं आप लोगों के लास्ट वाले, ठीक है, ये आप लोगों के गैशियस प्लैनेट है, ठीक है। अभी इसमें क्या फ़र्क है इनको चारों में और इन चारों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये जो चारों हैं इन पे आप लोग अपना स्पेसशिप उतार सकते हैं, ठीक है। आप लोग इनके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे हमारे अर्थ है तो इनकी सॉइल है वहाँ पे, ठीक है ना, इन 4 प्लैनेट के स्टार के जो है इंक्लूडिंग अर्थ। लेकिन ये जो 4 प्लैनेट है इनके ऊपर आप स्पेसशिप नहीं उतार सकते, ये गैसेज हैं, गैसेज मूव कर रही हैं, ठीक है ना, गैसेज सर्कुलेट कर रही हैं स्पेस में, तो ये गैसेज हैं ये जो 4 प्लैनेट है लास्ट वाले, ठीक है। तो इनके हवाले से ये एमसीक्यूज आपका सोलर सिस्टम के हवाले से आएगा, ठीक है, जो ओवरऑल अगर सोलर सिस्टम को देखा जाए हमारा, ठीक है। अब अगर बात करें आप लोगों की यूनिवर्स का, मैं बता दूं आप लोगों का, ठीक है। आपकी यूनिवर्स की एज एस्टिमेटेड है 13 बिलियन ईयर्स, कितनी? 13 बिलियन ईयर्स माना जाता है कि आपकी जिस आपकी जो है आपकी यूनिवर्स उसकी एज है। एक वीडियो मैंने अपलोड की है, ठीक है, अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो मूव करते हुए प्लैनेट, इसमें जो आपका सन है वो बिल्कुल सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ठीक है। बाकी जितने प्लैनेट हैं मरकरी, वीनस, आपकी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये सब उसके
उनका रेवोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये रेवोल्यूशन कर रहे हैं। रोटेशन और रेवोल्यूशन का मैंने बताया था, रोटेशन जो होती है अपने एक्सिस के गिर्द होती है, ठीक है ना, और रेवोल्यूशन होती है आपके सन के गिर्द, ठीक है। तो ये रिवॉल्व कर रहे हैं जितने भी प्लैनेट हैं, आठ के आठ आपके सन के अराउंड, ठीक है। आपको पिक्चर मूव करती हुई नजर आ रही हो, अभी आप पिक्चर नजर आ रही है आप लोगों की, ये अर्थ की एक पिक्चर है, ठीक है, ये भी एक आप लोगों की वीडियो पिक्चर ही है, ठीक है। अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो मूव करते हुए, तो आपकी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये मूव करती है, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है आप लोगों की अर्थ। ये एमसीक्यू आ चुका है, अर्थ रोटेशन क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और आपकी रोटेशन की वजह से ही डे एंड नाइट चेंज होते हैं, ठीक है ना, रोटेशन की वजह से ही डे एंड नाइट चेंज होते हैं। ये एमसीक्यू भी आ चुका है आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा ये 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, नज़र आ रही है ना टिल्ट हुई, ठीक है। तो ये ऐसी ही आपकी सोलर सिस्टम में ऐसी ही रिवॉल्व करती है अराउंड सन, ठीक है, इसी तरह इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, ये एमसीक्यूज भी आ चुका है, 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड है, ठीक है। एक बार में बताना भूल गया आप लोगों को, अर्थ की जो एज एस्टिमेटेड है वो 4.54 बिलियन ईयर्स है, ठीक है, यूनिवर्स की 13 है और आपकी अर्थ की 4.54 बिलियन ईयर्स, ये एमसीक्यूज भी आ चुका है आप लोगों का, ठीक है। और इसके अलावा जियोग्राफी के लिए अर्थ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बात सुन लें कि आप लोगों के जो सीजन होते हैं, सीजन चेंज होते हैं, ठीक है ना, हमारे चार सीजन हैं, तो ये सीजन किस वजह से होते हैं, आपकी अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से, ना कि रोटेशन की वजह से। रोटेशन की वजह से जस्ट डे एंड नाइट चेंज होते हैं, और रेवोल्यूशन की वजह से आपका एक तो साल कंप्लीट होता है, और दूसरा सीजन जो होते हैं वो आपके रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं, ठीक है। अब ये देखें आप लोगों को, अर्थ को कुछ पोर्शन में डिवाइड किया गया जियोग्राफिकली, तो मैं दो पिक्चर्स बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब डायरेक्शन आप लोग लगाते हैं ना, यहाँ पर डायरेक्शन लगाना है, टॉप पे नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, और ये आप लोगों का ईस्ट। अगर मैं अर्थ को ऐसे डिवाइड करूँ दो पोर्शन में, जो टॉप का पोर्शन होगा, अर्थ की शेप क्या होती है, जो इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज़ होती है, वो यूज़ होती है जियोइड शेप, ठीक है ना, जियोइड शेप है इसकी अर्थ की, ठीक है ना। ये जो एक्चुअल नाम इसका यूज़ होता है वो ये है, ठीक है ना, शेप के लिए अर्थ की, इसे स्फीयर भी बोलते हैं, क्योंकि गोल नहीं है, स्फीयर टाइप है, तो स्फीयर भी इसे कहा जाता था, ठीक है। तो जो एक्चुअल शेप का नाम जो यूज़ होता है टेक्निकल, वो जॉइड यूज़ होता है, वैसे इसकी शेप स्फीयर है, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रखना। अब मैं अगर ऐसे डिवाइड करता हूँ, तो जो टॉप का होगा नॉर्थ पोर्शन, तो उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर कह दूंगा, हेमिस्फीयर मतलब आधी स्फीयर, ठीक है ना। टॉप का हो जाएगा आप लोगों का नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है, और नीचे वाला जो आपका हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो दो में डिवाइड होगा। अब एमसीक्यू आता है, ठीक है ना, वो कौन सी लाइन है, ठीक है, या वो कौन सी एक स्ट्रिप है जो कि डिवाइड करती है आपकी अर्थ को नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो आपका ये इक्वेटर है, ठीक है। ये जो सेंटर में जो लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, जीरो डिग्री लाइन है, देख रहे हैं आप लोग, इसे बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं डिवाइड करूँ अर्थ को इस तरह, ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये आप लोगों की हो जाएगी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ये आप लोगों को जो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, टाइम भी इसी से कैलकुलेट होता है, ठीक है, तो जीरो डिग्री है यहां पे, ठीक है। अब ये आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, ये दो एमसीक्यूज आप लोगों को, ठीक है ना। वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर टाइम कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो आप लोगों ने इसको याद रखा। अब जो मैंने बताया था कुछ पोर्शन में जो डिवाइड किया गया अर्थ को, सबसे पहले तो इक्वेटर में जीरो डिग्री लाइन जो कि बिल्कुल सेंटर में होती है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसके ऊपर एक लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की, वो ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो 23.5 नॉर्थ डिग्री, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हमारा जो पाकिस्तान है वो इसी पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये एमसीक्यू भी आप लोगों का आ चुका है, ठीक है। उसके ऊपर एक और लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है ना। और जो ये 90 डिग्री नॉर्थ नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। इसी तरह इक्वेटर के नीचे बात करें तो सेम 23.5 डिग्री नीचे साउथ डायरेक्शन है, तो साउथ में इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
ठीक है। और इसके नीचे जो आप लोगों को 66.5 डिग्री साउथ नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, बल्कि इसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और जो 90 डिग्री साउथ नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। अब ये याद रखना, अब एमसीक्यू आता है कि आपका नॉर्थ पोल कहाँ पे है, तो ये नजर आ रहा है ना आर्कटिक सर्कल में आपका नॉर्थ पोल। तो आप लोगों को अगर ये पिक्चर याद होगी तो आपका एमसीक्यू रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन भी होती है आर्कटिक, अंटार्कटिक, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, ऐसे में कोई भी चार ऑप्शन आप लोगों को दे देगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल आपका लाई करता है आर्कटिक सर्कल में, ठीक है, और आपका साउथ पोल लाई करता है अंटार्कटिक में। ये एमसीक्यू भी आ चुका है, तो ये पिक्चर याद होगी तो आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है साउथ पोल नीचे है। इसी तरह जो आपकी अगर आप नॉर्थ पोल पे जाएं, तो अगर आप नॉर्थ पोल पे यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है, तो जो आपकी अर्थ होगी बाकी वो सारी आपके नीचे होंगे, ठीक है। आप इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह देखेंगे ना, जो लोग नॉर्थ पोल पे जाते हैं तो उनसे मोस्टली जो वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको कैसा फील हो रहा है आज के साथ, तो बाकी जो अर्थ है वो आपके आज सारी अर्थ जो आपके नीचे है वो आज, ठीक है। तो इसी तरह वीडियोज आपको मिल जाएंगे, अगर आप लोग इंटरेस्ट है देखना चाह रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, वरना आप लोगों को जस्ट एमसीक्यू रिलेटेड चीज़ें याद होनी चाहिए। इक्वेटर क्या है, जीरो डिग्री लाइन जो कि बिल्कुल सेंटर में है, जो अर्थ को डिवाइड करती है दो इक्वल पोर्शन में, उसके ऊपर जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर जो लाइन है वो आर्कटिक सर्कल है, नीचे जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। साउथ पोल कहाँ पे है, अंटार्कटिक में, और नॉर्थ पोल कहाँ पे है, वो आपका आर्कटिक में, ठीक है। हमारा जो पाकिस्तान है वो कहाँ पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसके अलावा कुछ जोन्स हैं, टॉरेट जोन का सुना होगा आपने, टेम्परेट जोन का सुना होगा, टॉरेट जोन के हवाले से क्या, टॉरेट जोन का तो एमसीक्यू भी आ चुका है पास्ट पेपर में, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, अब इसी पिक्चर से आप लोग देख लें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉर्न नजर आ रहा है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान में भी जितना भी ये पोर्शन है आप लोगों का, ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है, टॉरेट जोन, क्या बोला जाता है, टॉरेट जोन। यहाँ पे कोई सीजन वगैरह नहीं होते, जैसे हमारे ऑटम आपका स्प्रिंग वगैरह लाई करते हैं चार सीजन, यहाँ पे जस्ट नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और यहाँ इक्वेटर पे जितने भी कंट्रीज लाई करते हैं उनके डे एंड नाइट सेम होता है, जैसे आपका कीनिया है, ठीक है, और आप लोगों का मलेशिया है, ब्राज़ील है, तो इक्वेटर उनसे पास होता है, ठीक है। ये हम स्कूल भी आता है किस कंट्री से इक्वेटर पास होता है, तो आप लोगों ने सारे याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम डे एंड नाइट वो सेम ड्यूरेशन में रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर भी इनका नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो आप लोगों का ये एरिया है 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के मिड में जितना भी आप लोगों का, और इसी तरह नीचे भी आप लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप लेक और अंटार्कटिक के दरमियान जितना भी एरिया, इसे बोलते हैं टेम्पर्ड जोन, ठीक है, क्योंकि वो टॉप पे है, तो ये हो जाएगा नॉर्थर्न टेम्पर्ड जोन और ये हो जाएगा आपका साउथर्न टेम्पर्ड जोन। इसके ऊपर जितना एरिया है ये 66.5 से 90 डिग्री के मिड में, ये जो सारा है आप लोगों को नजर आ रहा है ये पोर्शन, इसे बोला जाता है फ्रिज्ड जोन, ठीक है। आप लोग नॉर्थ पोल की वीडियो देखेंगे, साउथ पोल की देखेंगे, आपको वहाँ पर बर्फ ही बर्फ मिलेंगी, ठीक है ना, वहाँ पे आपके थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे बर्फ ही रहती है, ठीक है। तो ये फ्रिज जोन होता है आप लोगों का, ठीक है। अब टॉरेट जोन कहाँ पे है, द पोर्शन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड आपका टॉरेट जोन, द जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक इज कॉल्ड नॉर्थर्न टेम्पर्ड जोन, ठीक है। द जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक इज कॉल्ड साउथर्न टेम्पर्ड जोन, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल की तरफ आपका जोन है वो फ्रिज जोन है, वो भी फ्रिज जोन है, वो नॉर्थर्न फ्रिज जोन होगा, और नीचे वाला आपका जो साउथ पोल पे है वो साउथर्न फ्रिज जोन होगा। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों के आते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट पे चलते हैं आप लोगों का, ठीक है। यहाँ मैंने अब अलग अलग उसको शो किया है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक फुटबॉल लें, कोई भी फुटबॉल, ठीक है, उसको इस तरह डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करें जैसा आपको हमने किया है, ठीक है। ये जो पूरा एक सर्कल का जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये सारा, ठीक है, ये सारा जहाँ पे आपको लोगों की डॉटेड लाइन नजर लगी हुई है रेड, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है ना, ये पूरा जो एरिया ये आर्कटिक सर्कल है, और ये यहाँ पे क्या है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है ना। इसी तरह नीचे भी होगा, ये जो लाइन नजर आ रहा है आप लोगों को इक्वेटर जीरो डिग्री नजर आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का
समझाने के लिए आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही है ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है ना। पिक्चर से देखी हुई काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं वरना आप लोगों को भूल जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें, मैंने एक लाइन बताई थी आप लोगों को यहाँ पे, जीरो डिग्री लाइन, ठीक है ना। ये क्या है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये पास कहाँ से होती है, ग्रीनविच से, इंग्लैंड, ठीक है। ग्रीनविच से पास होते हैं जहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब टाइम कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है। एक चीज़ सुन ले, वेस्टर्न की तरफ जब जब हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम मूव करेंगे तो टाइम होगा पीछे आप लोगों का, ठीक है। यहाँ मूव करेंगे तो हमारा टाइम होगा आगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के अर्थ, आप लोगों का सर्कल में पड़ा होगा कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए एक घंटे में कितने डिग्री चेंज होता है, 360/12, तो ये कितना होगा, डिग्री, ठीक है ना। लेकिन 12 से हम क्यों करेंगे, हम करेंगे 24 से, ठीक है ना। ये आपका जस्ट डे का टाइम है 12, और नाइट का आपका होगा 12, वो भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24। 360/24 कितना हो जाएगा आप लोगों को, 15 डिग्री। मतलब आपका एक घंटे में, 1 आवर्स में 15 डिग्री चेंज हो जाता है, ठीक है ना। मतलब आपकी अर्थ रोटेट करती है, 15 डिग्री रोटेट करते हैं इन 1 आवर, और अगर हम निकालें उसके लिए एक मिनट के लिए तो कितना होगा वो, तो 1 आवर का आप लोगों का 60 मिनट लिख लेंगे यहाँ पे 15 डिग्री, ठीक। तो 1 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं हम, क्या आएगा 60/15, ठीक है। तो हमारा 1 डिग्री का कितना आ जाएगा, 4 मिनट। तो 4 मिनट में 1 डिग्री चेंज होता है। ये PMS के पेपर में MCQ आ चुका है, जब आप लोग पास पेपर पढ़ेंगे, उसने पूछा 1 डिग्री कितने मिनट में चेंज होता है, 4 मिनट में, और 1 आवर में कितना चेंज हो जाता है, 15 डिग्री। तो आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखी है। अब 1 आवर का 15 डिग्री है ना, ठीक है ना। अब इससे आप लोगों का आ जाएगा, कोई कंट्री कितने डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है, ठीक है। हम अपना पढ़ते हैं ना कितने डिग्री पे हम लाई करते हैं, ठीक है, तो हम वो पढ़ लेते हैं हम कितना हमारा बनता है। अब 15 डिग्री चेंज हो रहा है ना, तो हमारा +5 है, ठीक है ना। UMT से हमारा +5 है, मतलब हम ग्रीनविच से 5 आवर्स अहेड है टाइम में, ठीक है। 15 × 5 आप लोगों का क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। अपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चेक कीजिए, आप लोगों को ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। इसी से अगर आप लोगों के पास ये चीज़ है दिया हुआ है, तो आप लोग अपने टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 75 है हमारा ओवर 15, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5, तो हम 5 डिग्री अहेड है ग्रीनविच से। इसी तरह अगर इंडिया की मैं बात करूँ, 82.5 उनका डिवाइड करेंगे 15 से, तो ऑलमोस्ट ये 5.5 आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इंडिया हमसे आधा घंटा आगे भी है, ठीक है, टाइम में। तो ये टाइम कैलकुलेट भी इसी से होता है। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स, अब इंडिया हमसे कहाँ है, हमारे ईस्ट में इंडिया, मैंने क्या कहा था, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम आगे जाएगा, अगर वेस्ट की तरफ से जाएंगे तो टाइम पीछे जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि आप लोगों का कोई कंट्री यहाँ पे वेस्ट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, और एक ईस्ट में लाई कर रहा है, अगर यहाँ पे उस टाइम कितने हो रहे हैं, 3, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये पीछे जाएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब टाइम पीछे कर दूंगा। अब 2-3 कंट्रीज में आप लोग टाइम लेंगे, ठीक है, तो वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे वेस्टर्न की साइड पे जो है वो टाइम पीछे है, और जो ईस्टर्न की साइड पे वो टाइम रहता है। अगर आप गूगल पे करेंगे तो इस वक्त आपको अमेरिका का टाइम हमसे पीछे मिलेगा, ठीक है ना, जबकि आपको टाइम मिलेगा पाकिस्तान का वो अलग मिलेगा, इंडिया का अलग मिलेगा, इस तरफ जाते रहे आप लोग जापान का आप लोग को और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह ये टाइम कैलकुलेट होता है। तो अर्थ के हवाले से जितने भी MCQs आ सकते हैं आप लोगों को, टाइम कैलकुलेशन के हवाले से आज तक MCQs नहीं आया, इसको मैं इसलिए इतना डिग्री नहीं कर रहा मैं इसको, ठीक है। तो अगर वो पूछ ले तो आप लोगों को कम से कम कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल जो आपके MCQs आते हैं अर्थ से रिलेटेड, तो आप लोगों ने इनको याद रखना है, ठीक है। बाकी जब डिटेल में हम जो मैप वाइज पढ़ेंगे कंट्रीज़ को, तो वो उसमें फिर आप लोगों को कंट्रीज़ भी कवर हो जाएंगे। जैसे ये सोलर सिस्टम के हवाले से मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ठीक है ना, बेसिक्स जो है आप लोग,
तो आप लोगों ने इनको रिवाइज करना है, इसको वीडियो को भी देखना है बार बार, फिर आप लोगों को ये चीज़ें रट्टा नहीं लगानी पड़ेंगी, आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को चीज़ें याद रखने लग जाएंगी। ठीक है,